नमस्कार, स्वागत है आपका एनवी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात दिल्ली में बीजेपी विधायकों की राष्ट्रपति को दी गई चिट्ठी पर मचे घमासान की। चिट्ठी में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर हमलावर हो गई है। वही दूसरे सेगमेंट आपको बताएंगे, यूपी में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कौन सा तंज कस दिया है। और तीसरे सेगमेंट आपको बताएंगे, दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बातें कही। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। दिल्ली में बीजेपी विधायकों की ओर से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के भेजे गए पत्र पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मंगलवार को दिल्ली सरकार के मंत्री आदसी ने कहा, बीजेपी दिल्ली की चुनी हुई सरकार को चोर दरवाजे से बर्खास्त करना चाहती है। वहीं बीजेपी दिल्ली में संवैधानिक संकट का राग अलाप रही है। जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। बीजेपी विधायकों की ओर से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र पर सियासी घमासान जारी है। मंगलवार को दिल्ली सरकार के मंत्री आकाशी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली की चुनी हुई सरकार को चोर दरवाजे से बर्खास्त करना चाहती है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी का एकमात्र काम चुनी हुई विपक्ष की सरकारों को गिराना है। अगर बीजेपी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराती है तो आने वाले चुनावों में दिल्ली की जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। बीते दिनों बीजेपी एलओपी जो है विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी एमएलए राष्ट्रपति से मिले थे और सरकार के खिलाफ कार्रवाई की बात की थी, एक तरह से सरकार भंग करने की बात की थी। उस पर राष्ट्रपति ने फॉरवर्ड किया आगे वो मामला एमएचए को। अब ये चर्चा हो रही है कि क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है दिल्ली में, क्या कहेंगे आप इस पर? भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए, इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके, अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चुनाव टालने की कोशिश अगर ऐसा किया जाता है तो कि चुनाव टाला जाए? देखिए, चुनाव आज हो, चुनाव फरवरी में हो, चुनाव उसके 2 महीने बाद हो, चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीतना है, अरविंद केजरीवाल जी ने जीतना है, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से मोहब्बत। हमने देखा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने राज्यपाल की शक्तियां कुछ और बढ़ा दी, आप लोगों की कई कंप्लेन एमएचए को फॉरवर्ड की गई है, तो आपको लगता है कि उन सबको एक तरह से कंपाइल करके कार्रवाई की जा सकती है अगर होता है तो? जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराने की कोशिश करती है तो दिल्ली की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उनकी अभी 8 सीटें हैं 70 में से दिल्ली विधानसभा में, चुनाव के बाद उनको 0 सीटें आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। राष्ट्रपति को दिल्ली के हालात से अवगत कराया। वहीं दूसरी ओर विधानसभा विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने भारत के राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र पर कहा, 30 अगस्त को मेरे नेतृत्व में बीजेपी विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला था, हमने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और उन्हें दिल्ली की वास्तविकता से अवगत कराया कि कैसे दिल्ली में शासन प्रशासन ठप है, इसलिए हमने राष्ट्रपति से इस सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध किया। 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति जी से मिला था और हमने उनको एक ज्ञापन सौंपा था और उनको दिल्ली की
वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराया था कि किस तरह से दिल्ली में गवर्नेंस पैरालिसिस है, किस तरह से थोड़ी सी बारिश में 50 लोगों की मौत हो गई डूबने से, सड़कों की हालत ख़राब है, ड्रेनेज की हालत ख़राब है, सीवेज पूरी तरह से कॉलेप्स है, और 5 महीने से दिल्ली का असेंबली का सेशन तक नहीं हुआ, 5 महीने से दिल्ली की कैबिनेट नहीं हुई, मुख्यमंत्री जेल में है, जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, एक फाइल आज तक साइन नहीं की है। आज दिल्ली में अराजकता की स्थिति है, संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है, 6ठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन तक नहीं किया गया जिसको 1 अप्रैल 2021 को लागू होना चाहिए था, संवैधानिक संकट है, सीएजी की 11 रिपोर्ट जो सरकार को मिली लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया गया, दिल्ली विधानसभा के सदन के पटल पर नहीं रखा गया, उसको छुपा लिया गया, पीएसी में पिछले 10 साल में एक भी ऑडिट पैरे पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और कोई रिकमेंडेशन हाउस प्रकार की स्थिति में है। दिल्ली के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, 2 करोड़ लोगों का भविष्य अंधकार में है, और हमने राष्ट्रपति महोदय से ये मांग की थी कि सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हमें इस बात की खुशी है कि जो मुद्दे हमने राष्ट्रपति महोदय के सामने उठाए उन्होंने उनका संज्ञान लिया, और अपनी अनुशंसा के साथ मैं कहूँगा क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति जी को महामहिम जी को जो ज्ञापन दिया उसको उन्होंने गृह सचिव के पास भेजा है उचित कार्रवाई के लिए, हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोगों को न्याय मिलेगा और इस भ्रष्टाचारी शासन को जो पूरी तरह से दिल्ली को पंगु बनाए हुए है, गवर्नेंस पैरालिसिस है, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशंस है, सेंटर की स्कीम्स दिल्ली में लागू नहीं हो सकती, दिल्ली की में सिविक एमिनिटीज के नाम पर धोखा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ अराजकता है, इससे दिल्ली के लोगों को जल्द छुटकारा। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण दिल्ली में उत्पन्न संवैधानिक संकट के बीच तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया था। विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त एक पत्र को साझा करते हुए कहा, राष्ट्रपति ने ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए उसे गृह सचिव को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह सचिव से इस मामले पर तत्काल और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। यूपी में योगी सरकार ने वन विभाग में 647 युवाओं को वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक पद पर नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 1181 युवाओं की भर्ती हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 647 युवाओं को वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक पद पर नियुक्ति पत्र वितरित किए। हालांकि इस दौरान उन्होंने सभा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर तंज भी कसे। सौंप कर बनाया हौसला। उत्तर प्रदेश में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित युवाओं को आज सरकारी सेवा में शामिल कर लिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वन विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने अभ्यर्थियों का हौसला बढ़ाया। सीएम योगी ने इस दौरान कहा, प्रदेश सरकार ने पूरे पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षा होने और नियुक्ति पत्र मिलने की प्रक्रिया में पूरा 1 साल लग जाता था, पर अब 6 महीने में ही नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आपको नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ा जा रहा है। आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरी परीक्षा में हम लोगों ने बहुत पारदर्शी तरीके से परीक्षा के पूरे पैटर्न को बदलने का काम किया है। आपने देखा होगा जब थोड़ी भी हम सावधानी बरत ले तो किसी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, और इसके लिए हमने सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू किया है, जिसमें हम लोगों ने चाहे वह मटन माफिया हो, सॉल्वर बैंक हो या पेपर लीक जैसी गतिविधियों में लिप्त ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहां तक कि उसके 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का प्रावधान हमने इस एक्ट के माध्यम से। जल्द ही
40,000 और सिपाही भर्ती करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, हाल ही में 7,200 पुलिस कर्मियों की भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया गया है। अगले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 40,000 भर्तियों को नियुक्ति पत्र के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं। 7,200 पुलिस भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पुलिस की 40,000 नई भर्ती को फिर से संपन्न करेंगे। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कैसे 7,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की परीक्षा को हमने प्रदेश के अंदर सफल संपन्न किया। पहली बार किसी सिविल पुलिस की, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस ने इतनी भर्ती की प्रक्रिया एक साथ संपन्न की है और भर्ती की प्रक्रिया में कहीं कहीं आंसू पारदर्शी तरीके से परंपरा ने तय किया। अभी तो ये आज यहां पे 688 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, लेकिन अब अगले 6 महीने के अंदर 40,000 ऐसी भर्तियां हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति पत्र के साथ जिनको हम जोड़ने जा रहे हैं। 7,200 से भी पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी और जैसे भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी तो इसमें 40,000 और नई भर्ती हम पुलिस कार्मिकों की फिर अभियान जारी करते हुए इस प्रक्रिया को उसी पारदर्शी तरीके से संपन्न करेंगे। उत्तर प्रदेश उत्पाद चयन आयोग का गठन हो चुका है, इसमें भी हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। बेसिक माध्यमिक व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा में भी भर्ती की प्रक्रिया को पूरे पारदर्शी तरीके से आगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी भर्ती की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हजारों पदों पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को भर्ती के साथ जोड़ने की कार्रवाई, सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। जो एक्सपोज हो रहे हैं तो दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं। सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, जिन लोगों ने कभी अच्छा किया ही नहीं, अच्छा होने पर उन्हें बुरा लगेगा ही, वह एक्सपोज हो रहे हैं इसलिए दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तो क्या कर रहे थे, भर्ती प्रक्रिया क्यों पारदर्शी ढंग से नहीं हो पा रही थी, क्यों न्यायपालिका को बार बार भर्ती प्रक्रिया को रोकना पड़ा था। किसी गरीब के बच्चे को, किसी मजदूर छात्र को जब अपनी योग्यता अपनी क्षमता से आगे आना चाहता है उसको नियुक्ति नहीं मिल पाती, नियुक्ति नहीं मिल पाती थी। नियुक्ति बैकडोर से होती थी, सूची जारी होती थी, अलग अलग लोगों के परिवार के अलग अलग लोगों की सूची अलग जाती थी और फिर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता था, बाकी लोग देखते रह जाते थे। वह अपने खुद हत्या करने के लिए मजबूर होता था। इस प्रक्रिया को पूरी शक्ति के साथ रोका गया। जो भी इस प्रकार की बेमानी में लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने कभी अच्छा किया ही नहीं तो जब अच्छा होगा तो उनको बुरा भी लगेगा, क्योंकि वे अच्छे हो रहे हैं और इसलिए दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं, दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं, तमाम दुष्प्रचार करेंगे, तमाम प्रकार के लोगों का तलाश करेंगे। उनसे ही पूछा जाना चाहिए जब उनकी सरकारी थी तब क्या कर रहे थे, क्यों नहीं भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो पा रही थी और क्यों बार बार न्यायपालिका को इन भर्ती की प्रक्रियाओं को रोकना पड़ा। याद करिए हम लोग आए 155,000 से अधिक केवल पुलिस के कार्मिकों के पद खाली पड़े थे जिनको हमने एक समय सीमा के अंदर पूरा भर दिया। ये सभी पुलिस कार्मिक आज के दिन पे कोर्ट में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 164,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में हम लोगों ने संपन्न की, पूरी भर्तियां 17 दिन पहले संपन्न हो गई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग माध्यमिक शिक्षा चयन माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा चयन आयोग से जुड़े हुए या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती बोर्ड से जुड़े हुए चयन की प्रक्रिया में जो 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली, ये 2017 के पहले क्यों नहीं मिल पाई। कारण था 2017 के पहले न सरकार की भर्ती की कोई नीति थी। अखिलेश
यादव ने शिक्षक भर्ती मामले पर उठाए सवाल। दरअसल इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के बाद सपा अध्यक्ष ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, भाजपा सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार दोहरा खेल न खेले। इस दोहरी सियासत से दोनों पक्ष के अभ्यर्थियों को ठगने और सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम भाजपा सरकार न करे। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की भ्रष्ट प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी क्यों भुगते? जो काम 3 दिन में हो सकता था उसके लिए 3 महीने का इंतजार करना और ढिलाई बरतना बताता है कि भाजपा सरकार किस तरह से नई सूची को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना व सुप्रीम कोर्ट ले जाकर शिक्षक भर्ती को फिर से लंबे समय के लिए टालना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ले जाकर भर्ती लटकाने की भाजपाई चालबाजी को अभ्यर्थी समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार का ऐसा आचरण घोर निंदनीय है। भाजपा न इनकी सजी है न उनकी। दरअसल यूपी में इन दिनों समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान काफी तेज हो चली है। पहले बुलडोजर का मुद्दा और अब यूपी में नियुक्तियों पर अखिलेश यादव और सीएम योगी फिर आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि सीएम योगी पहले भी सपा शासनकाल में नौकरियों में भाई भतीजावाद के आरोप लगाते रहे हैं, वहीं अब सपा प्रमुख भी योगी सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट एनवी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रमुख पहलों की शुरुआत की। उन्होंने कहा, साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती, हितधारक खतरे से निपटने के लिए एक साथ आए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम जैसे अपराधों को रोकने के लिए प्रमुख पहलों की भी शुरुआत की। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती और इसीलिए यह जरूरी है कि सभी हितधारक खतरे से निपटने के लिए एक साथ आएं। साइबर सुरक्षा देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। उन्होंने कहा, IRC की जब स्थापना की गई थी तो उसकी शुरुआत एक विचार के आधार पर की गई। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2015 से लेकर 2024 तक की यात्रा विचार पहल में परिवर्तित हुई। आज यह साइबर सुरक्षा में बहुत बड़ा स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाइयों बहनों, जब IRC की स्थापना की गई तो जैसे आगे बताया गया, एक विचार के आधार पर इसकी शुरुआत हुई और वो विचार देश की जरूरियातों को देखते हुए एक टोली ने विचार के बीच के रूप में इसको रोकने का काम किया था। और मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2015 से 2024 9 साल की यात्रा विचार इनिशिएटिव में परिवर्तित हुआ, इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित हुआ और आज धीरे धीरे हमारी सेफ साइबर का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट IRC का है, इसलिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास असंभव। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, हम सभी जानते हैं कि साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास इस समय असंभव है। तकनीक मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती है। तकनीक का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है, लेकिन इसके साथ तकनीक से कई सारे खतरे भी आज हो रहे हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा सिर्फ डिजिटल तक सीमित नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम पहलू बन गया है, जिसके बिना हमारी राष्ट्र की सुरक्षा करना असंभव है। इसलिए IRC जैसे प्लेटफॉर्म इसमें बहुत बड़ा योगदान देंगे। देश की जरूरियातों को देखते हुए एक टोली ने विचार के बीच के रूप में इसको रोकने का काम किया था और मैं इतना निश्चित कह सकता हूं
कि आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2015 से 2024 9 साल की यात्रा विचार इनिशिएटिव में परिवर्तित हुआ, इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित हुआ और आज धीरे धीरे हमारी सेफ साइबर का ये बहुत बड़ा स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट आई4सी का है, इसलिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हम सभी जानते हैं साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। टेक्नोलॉजी एक दृष्टि से मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती है। कई सारे नए इनिशिएटिव जो हर व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आत्मसम्मान की सुरक्षा की दृष्टि से हो, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। बिजनेस के अंदर और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है, परंतु इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से कई सारे खतरे भी आज सूजित होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग। गृहमंत्री अमित शाह ने आई4सी यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के स्थापना दिवस समारोह पर कहा कि साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। हमें साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक योजना बना रही है। इसके तहत अगले 5 सालों में 5,000 साइबर कमांडो को साइबर अपराध से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। मैं आई4सी को इतना भी कहना चाहता हूं कि जो अलग अलग डेटा आता है और साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर को एक और काम भी देना चाहिए, एआई का उपयोग कर इसके अंदर से एमओ को आइडेंटिफाई कर इसकी रोकथाम के नए तरीके भी हम करें। जैसा आगे बताया, साइबर कमांडो परियोजना का शुभारंभ हुआ है। 5 साल में लगभग 5,000 साइबर कमांडोस तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और समन्वय प्लेटफॉर्म वो भी एक प्रकार से बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। मैंने कई बार कहा है, एक पुराना सूत्र था नीड टू नो, इसकी जगह डीटी टू शेयर, ये आज के समय की मांग है और इसके लिए समन्वय प्लेटफॉर्म से ज्यादा कारगर कोई उपाय हो नहीं सकता। साइबर सुरक्षा के बिना देश की प्रगति संभव नहीं। उन्होंने कहा साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। हमें साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि साइबर सुरक्षा के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में 46% डिजिटल लेन देन भारत में हो रहे हैं। हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 31 मार्च 2014 को देश में 25 करोड़ और आज 31 मार्च 2024 को 95 करोड़ है। और जैसे डाउनलोड स्पीड बढ़ी है, कॉस्ट कम हुई है, इसके कारण डेटा की खपत में भी बहुत बड़ा बढ़ोतरी हुई। पहले औसत 0.26 GB था, आज 20.27 GB, लगभग 78 गुना बढ़ोतरी हुई है। और कई सारे डिजिटल इंडिया हमारा जो इनिशिएटिव है, इसके कारण देश में कई सारी सर्विसेज ऑनलाइन हुई। 35 करोड़ जनधन खाते, 36 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड, 2024 में
एक यूपीआई के ट्रांजेक्शन को ही ले ले तो 20,64,000 करोड़ के रकम का लेन देन हमने डिजिटली किया है और 46% विश्व का डिजिटल ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम आज भारत में हो रहा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक प्रकार से सिद्धि है कि दुनिया में आधे आधे डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हो रहे हैं, मगर एक प्रकार से हमारे काम का व्याप भी बताता है। बता दें कि IRCC की स्थापना 2018 में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में साइबर अपराधों से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय केंद्र स्थापित करना है। IRCC को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाने और साइबर अपराध से निपटने वाले विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए भी अनिवार्य किया गया है। स्पेशल रिपोर्ट एनवी न्यूज। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।